तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो so, फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग तीन चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के उर्दू का चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स ये तीनों चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाने वाला है और ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है मतलब कि अगर आप आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो तीन चैप्टर तो खत्म होगा ही उसके साथ साथ इन तीनों चैप्टर से कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना तो आप हंड्रेड परसेंट करेक्ट बनाकर आएंगे ठीक है ना तो इसी वजह से मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए कम्प्लीट वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग में ही आप लोग को लाइक शेयर वगैरह कर देना है चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे सब पहले पहुंचे आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे सब पहले चैप्टर नंबर हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छा तीनों चैप्टर एक ही वीडियो में इसलिए कंप्लीट करा रही हूँ क्योंकि तीनों चैप्टर जो है ना वो कतल तारीख है अब कतल तारीख किसे कहते हैं जरा यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए देखिए कतल तारीख जो है ना वो नज्म ही की तरह लिखा जाता है यानी कि कविता शर वशा के अंदाज में ही मतलब उसी तरीके से लिखा जाता है फ़र्क सिर्फ इतना है कि कतल तारीख में तारीख़ी वाकयात को बयान किया जाता है यानी कि तारीखी वाकयात का मतलब क्या है यानी कि पहले जो घटना रियल में घटित हो चुकी हो उसी को मतलब लिख शेर व शारी के अंदाज़ में लिख कर बयान कर देना ही क्या कहलाता है क़तर तारीख़ कहलाता है क़तर तारीख़ इसके नाम ही में है तारीख़ यानी कि हिस्ट्री यानी कि पास्ट में जो घटना घटित है यानी कि वो रियल में इंसिडेंट हुआ है ठीक है उसी को जो है ना शेर व शायरी के अंदाज़ में लिख कर बयान कर देना ही क्या कहलाता है कतर तारीख़ कहलाता है यानी कि तारीख़ी वाकत को बयान कर दिया जाता है कतर तारीख में ठीक है ना तो ये तीनों चैप्टर जो है ना वो कतर तारीख़ है चैप्टर नंबर ट्वेंटी फ़ोर ये गमे अरशद नाम का कतर तारीख तारीख है ये कतर तारीख कौन सी घटना पर लिखा गया है तो ये कतर तारीख जो लिखा गया है इसके राइटर है अता काकवी अता काकवी के बेटे रहते हैं अरशद काकवी तो अरशद काकवी अभी जवान रहते हैं अभी उनकी उम्र चौंतीस साल की ही रहती है तभी उनकी मौत हो जाती है तो जब उनकी मौत हो जाती है तो उस वक्त का मोमेंट ठीक है ना उस वक्त की घटना जो है ना इस कतर तारीख में अता काकवी लिख कर बयान कर दी है शेर व शायरी के अंदाज़ में यानी कि इसमें तारीखी वाकयात को बयान किया गया है यानी कि अत काकवी जो है ना अपने बेटे की मौत की घटना को लिख कर बयान कर दिए हैं ठीक है थीके? तो ये कतर तारीख़ इनके बेटे अरशद काकवी के मौत के ऊपर लिखा गया है उसी तरीके से चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव ये भी एक कतर तारीख है और ये कतर तारीख लिखा गया है जनाब अरशद कादरी के ऊपर जनाब अशरफ कादरी की भी मौत हो जाती है तो उस वक्त की घटना को जो है ना वाहिद नज़ीर लिख कर बयान कर देते हैं तो ये एक कतर कतर तारीख हो गया उसी तरीके से मौलाना निज़ामुद्दीन साहब ये अमीर शरीयत बने थे तो उस वक्त के वाकयात को मतलब उस वक्त की घटना को कतर तारीख़ में लिख कर बयान कर दिया गया है तो ये कतर तारीख़ किसके ऊपर लिखा गया है मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के ऊपर ठीक है तो इन दोनों चैप्टर के जो राइटर हैं यानी कि इन दोनों कतर तारीख के जो राइटर हैं वो एक ही हैं वाहिद नज़ीर और चैप्टर नंबर ट्वेंटी फ़ोर जो है ग़म अरशद इसके राइटर हैं यानी कि मुसनफ़ कौन है अता काकवी ये अपने बेटे अरशद काकवी की मौत का ग़म का इज़हार जो है ना कतर तारीख़ के ज़रिए किए हैं इसी वजह से कतर तारीख़ का जो टाइटल है वो क्या रखा गया है ग़म अरशद यानी कि अरशद काकवी के मौत का ग़म अभी जवान ही रहते हैं अरशद काकवी तो उनकी मौत हो जाती है ठीक है चारों तरफ गम सा छा जाता है अजीब सा माहौल बन जाता है तो उसी वक्त के वाक़ को जो है ना अता काकवी लिख कर बयान किया और टाइटल दे दिए गम अरशद तो सबसे पहले हम लोग अता काकवी के बारे में जानेंगे देखिए अता काकवी जो है ना इनका पूरा नाम सैयद शाह अताउर रहमान है इनका पूरा नाम क्या है फुल नेम सैयद शाह अताउर रहमान ये अता काकवी के नाम से इसलिए मशहूर हुए क्योंकि इनके नाम में है अताउर रहमान यानी कि अता और ये काको में पैदा हुए थे तो अता प्लस काको अता काकवी के नाम से ये मशहूर हुए भले इनका फुल नेम क्या था सैयद शाह अताउर रहमान देखिए ये तनकीद तहकीक और शायरी तीनों किए थे यानी कि तनकीद भी लिखा करते थे तहकीक भी किया करते थे यानी कि रिसर्च भी किया करते थे और शेर व शायरी भी किए थे ठीक है तो ये तीनों काम में ये माहिर थे इनकी पैदाइश हुई थी सत्रह सितंबर उन्नीस सौ चार ईस्वी को मरदम खेज़ गाँव काको में जैसा कि मैं आप लोगों तो को बताई काको में इनकी पैदाइश हुई थी सत्रह सितम्बर उन्नीस सौ चार ईस्वी को ठीक है तनकीदी किताबों के नाम दिए गए हैं यानी किया था काकवी के कुछ तनकदी किताब दो ही किताब का नाम यहाँ पर बताया गया है पहला है तनकदी मताले और दूसरा का नाम है तकाबली मताले ठीक है उसी तरीके से एक इनका तहकीकी माल के नाम से तनकीदी मजामी है और ये तनकीदी मजामी जो कि तहकीकी मताले के नाम से था ये उन्नीस सौ पैंसठ ईस्वी में शाये हुआ कि प्रकाशित हुआ याद रखिएगा तहकीकी मताले ये क्या है एक तनकीदी मजामी है यानी कि मजमून तो है लेकिन तनकीदी मजमून यानी कि जिसमें तनकीद हो ठीक है और तनकीद का मतलब तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ ठीक है इनका एक रिसाला भी है जिसका नाम है सफीना अता काकवी ने एक रिसाला यानि कि पत्रिका भी जारी किया था सफीना के नाम से और शेरी तसनीफ़ भी है जैसे कि जमाल गज़ल साकी नामा यानि कि शेर व शायरी में इनका क्रिएशन दे दिया गया है मिर्जा अब्दुल कादिर बैदल जो है ना इनके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखा था मतलब मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदल की हयात पर उनकी ज़िंदगी पर और ये अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किए थे किस किस तरह से लोगों की मदद किए थे मतलब इनकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर अता काकवी जो है ना एक किताब लिखे थे जिसका नाम था हैरत ज़ार याद रखिएगा तो हो सकता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दें कि अता काकवी ने मिर्ज़ा कादिर बैदल के ऊपर जो किताब लिखी थी उसका क्या नाम था ऑप्शन में दिया रहेगा हैरत एजार ठीक है अता काकवी का इंतकाल हो गया था 8 मार्च उन्नीस सौ अंठानवे ईस्वी को पटना में तो यहाँ पर बस इतना ही डिटेल्स दिया गया था अता काकवी के बारे में अब चलिए फटाफट मैं इस कतर तारीख को पढ़ती हूँ और प्रत्येक लाइन का मतलब आप लोग को समझाती हूँ तो देखिए इस गम अरशद कत तारीख में अता काकवी लिखे हैं जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा यह वाक्य है कि अरशद की मौत से ए दोस्त खुला दरीचे गम दर हुआ खुशी का बंद अभी जवान था चौंतीस साल की थी उम्र हुई न जाने अदा कौन सी झजा को पसंद यहाँ पर बोल रहे हैं जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अता काकवी अपने बेटे अरशद काकवी की मौत पर यह कथा तारीख़ लिखे हैं तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर अता काकवी कि यह वाक़ है कि अरशद की मौत से ए दोस्त यानी कि ए दोस्त ये जो वाक़ है ये हमारे बेटे अरशद की मौत का वाक़ है खुला दरीचे गम दर हुआ ख़ुशी का बंद जब हमारे बेटे अरशद काकवी का इंतकाल हो गया उसकी मौत हो गई तो हमारे ज़िंदगी में जो गम का दरवाज़ा है वो हमेशा हमेशा के लिए खुल चुका है और जो खुशी का दर है यानी कि खुशी का दरवाज़ा वो बंद हो चुका है ठीक है वही लिखा गया है यहाँ पर खुला दरीचा यानि गम का दरीचा जो है ना वो खुल चुका है और दर हुआ खुशी का बंद यानी कि ख़ुशी का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है अभी जवान था चौंतीस साल की थी उम्र यानी कि हमारा बेटा जो अरशद था वो अभी जवान था उसकी उम्र चौंतीस साल की थी हुई न जाने अदा कौन से कज़ा को पसंद पता नहीं हमारे बेटे की कौन सी अदा मौत को पसंद आ गई कि मौत हमारे बेटे को उड़ा ले गई मिसाल शमा जो बज़ में अदब में रोशन था हुई हवाए अजल से ज़ुबान उसकी बंद खुला दरीचे कज़ा का तो कर गई प्रवास थी रूह जिसमें जैसे कफ्स में तायर बंद किसी की रूह नायात न था किसी से अनाज वसा होता था बड़ा अपनी वजह का पाबंद यहाँ पर बोल रहे था काकवी अपने बेटे के बारे में कि हमारा बेटा जो अरशद था हमारे घर का चिराग था एक जलता हुआ शमा था जो पूरे घर को रोशन किया रहता था लेकिन उसकी ज़ुबान अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है जिस तरीके से एक पिंजड़े में पक्षी कैद रहती है और जैसे ही पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता है तो पक्षी परवाज कर जाती है उसी तरीके से हमारे बेटे के जिस्म के कैद खाने से उसकी जो रूह है वो भी परवाज कर चुकी है किसी की रूह रायत न था किसी से अनाज वह था बड़ा अपने वज़े का पाबंद यानी कि हमारा जो बेटा अरशद था वो एकदम साफ़ था सीधा साधा था किसी से झगड़ा फसाद नहीं करता था किसी से ना झगड़ता था वो अपने वज़े का पावन था सा था नेक दिल था सीधा साधा था लेकिन अब क्या किया जा सकता है एक पिंजड़े में जिस तरह पक्षी कैद रहती है और दरवाज़ा खुलता है तो प्रवास कर जाती है उसी तरीके से हमारे बेटे के जिसम से उसकी रूह प्रवास कर गई अब देखिए यहाँ पर चार लाइन फारसी का भी दिया गया है जो कि मैं पढ़ूँगी तो शायद आप लोग को समझ में भी नहीं आए लेकिन पढ़कर मैं पढ़ती हूँ और आप लोग ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा देखिए लिखा गया है फ़ारसी की चार लाइन कि हयात चिस्त चे मरग अस्त अस्तकिस्बी दान अजे दया फना रूह है औ कुा बरदंद कुजा रोम चे कुनम सबर अज कुजा आरम ख़बर कुनीद बे अहबाब हाल मा बंद यानी कि ये चार फारसी की लाइन है और यहाँ पर जो है ना आता काकवी कह रहे हैं कि हयात क्या है, है, है? ज़िंदगी क्या है मौत क्या है कोई नहीं जानता पता नहीं हमारे बेटे की रूह को मौत कहाँ लेकर चली गई है इस फ़ानी दुनिया में मैं कहाँ ढूँढूँ क्या करूँ कहाँ जाऊँ सब्र कहाँ से लाऊँ क्या मैं अपने रिश्तेदारों को जो हमारे करीबी लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं अपने दोस्तों अपने अहबाब यानी कि अपने रिश्तेदारों को मैं क्या ख़बर करूँ कि वो हमें तसल्ली दें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ ठीक है अब देखिए आगे लिखा गया है कि यह वह अलम है कि दुश्मन को भी खुदा ना दिखाए किसी के दिल को ना पहुंचे खुदा करे ये गजंद यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये वो अलम है कि दुश्मन को भी ना दिखाए यानी कि ऐसा दर्द है ये ऐसी तकलीफ़ है कि खुदा दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ़ ना दे किसी के दिल को ना पहुँचे खुदा करे गजन किसी के भी दिल को ऐसा दर्द ना पहुँचे किसी के ज़िंदगी में कभी ऐसा परेशानी कैसा कभी ऐसा तकलीफ़ ना आए मतलब तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि खुद का जवान बेटा जिसकी उम्र चौंतीस साल की थी उसका इंतकाल हो गया है रहे जमील व अकील इस जहाँ क़ायम के यादगार है मरहूम किया दो फ़र्जंद अता को फ़िक्र हुई उसके साल रोहलत की सर आलम को मिलाकर कहा गम फ़र्जंद यहाँ पर अता काकवी कह रहे हैं कि रहे जमील वक़ील इस जहाँ क़ायम यानी कि जमील व अकील है ना ये दोनों कौन हैं तो अरशद काकवी के बेटे हैं याद रखिएगा अता काकवी के बेटे अरशद काकवी और अरशद काकवी जिनका इंतका इंतकाल हो जाता है उनके दो बेटे रहते हैं जमील और अकील ठीक है तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर अता काकवी कि रहे जमील वकील इस जहाँ में कायम यानि कि हमारे बेटे की तो मौत हो गई लेकिन ए खुदा जमील वकील इस दुनिया में कायम रहे वो अपनी ज़िंदगी को जिए और पूरी ज़िंदगी जिए कि यादगार है मरहूम किया दो फरजंद यानि कि हमारा बेटा जिसकी मौत हो चुकी है उसकी यादगार है ये यानी कि हमारे बेटे की निशानी है जमील और अकील ठीक है तो यही उनके दो बेटे हैं यानी कि हमारे बेटे की यही दो बेटे हैं तो ये इस दुनिया में कायम रहें दायम रहें ठीक है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और पूरी ज़िंदगी जिए हमारे बेटे के साथ जिस तरह हुआ वो इनके साथ ना हो ठीक है और फिर अता को फ़िक्र हुई साल रोहलत की यानी कि किस साल उनके बेटे की मौत हुई ये लिखने की फिक्र हुई तो सरे अलम को मिलाकर यानी कि अलिफ को मिलाकर जो है ना कहा गम फर्जंद यानी कि यहाँ पर अलिफ़ को तेरह सौ बयासी तेरह सौ इक्यासी में एक जोड़ कर तेरह सौ बयासी बना दिए हैं तेरह सौ बयासी इजरी में जो है ना अरशद काकवी का इंतकाल हो जाता है तो वही लिख दिए हैं साल दौलत यानी कि तेरह सौ बयासी इसी साल में जो है अरशद काकवी का इंतकाल हो जाता है ठीक है तो फाइनली यहाँ पर चैप्टर नंबर ट्वेंटी फ़ोर तो कम्प्लीट हो चुका है तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर ट्वेंटी फ़ाइव को समझते हैं और चैप्टर नंबर ट्वेंटी सिक्स इन दोनों चैप्टर के जो राइटर हैं वो वाहिद नज़ीर है तो जरा इनके बारे में कुछ डिटेल समझ लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को ये दोनों चैप्टर साथ ही में कंप्लीट करा दूँगी तो वाहिद नजीर के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है याद रखिएगा इनका रियल नेम है अब्दुल वाहिद और इनकी पैदाइश हुई थी बारह अप्रीट बारह अप्रैल उन्नीस सौ ईस्वी को झारखंड के ग्रिडी ज़िला में वाहिद नज़ीर की पैदाइश 12 अप्रैल उन्नीस सौ अड़सठ ईस्वी को झारखंड के ग्रिडी जिला में और शोबह उर्दू पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं ये यानी कि जो पटना यूनिवर्सिटी का उर्दू का डिपार्टमेंट था वहाँ के ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं पच्चीस बरस ये अजीमाबाद में बिताए थे और उसके बाद से फ़ारसी अरबी और उर्दू में इनको खासा दिलचस्पी थी यानी कि फ़ारसी भी जानते थे अरबी भी जानते थे और उर्दू भी जानते हैं और शायर मुहक् और नक़ाद एक साथ तीनों है ये यानी कि ये शेर व शारी भी करते हैं महक्क़ भी हैं और नक़ाद भी हैं ठीक है शायर महक् और नक़ाद ये तीनों हैं ये रौनक और कलाम रौनक और जहान ना दीीदा ये दोनों वाहिद नज़ीर की लिखी हुई किताबें हैं ठीक है जो शायद यानी की प्रकाशित हुई थी तो बस इतना ही डिटेल्स दिया गया है वाहिद नज़ीर के बारे में तो चलिए अब मैं आप लोग को डायरेक्ट ये क़त तारीख़ पढ़कर उसका मतलब समझा देती हूँ सबसे पहले चैप्टर नंबर ट्वेंटी फ़ाइव है जनाब अशरफ़ कादरी के ऊपर एक कतर तारीख लिखा गया है जब इनकी मौत हो जाती है ठीक है तो देखिए लिखा गया है कि सबत है मखलूक़ पे महर लह तुर्जम मौत की बुनियाद पर है ज़िंदगी की छत बनी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जितने भी मखलूक है इस दुनिया में सभी को वापस लौट कर जाना है क्योंकि मौत की बुनियाद पर है ज़िंदगी की छत बनी क्योंकि हमें जो ज़िंदगी मिली है और ये ज़िंदगी का जो छत बना है ये मौत की बुनियाद पर ही बना है यानी कि जब हमको ज़िंदगी मिली उससे पहले हमारा मौत तय हो चुका था कि हमारा मौत जो है हमारी मौत कहाँ होगी किस जगह पर होगी कब होगी और किस तरह से होगी ये सब कुछ तय हो जाने के बाद ही हमारे हमको ज़िंदगी मिली है तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस दुनिया में जितने भी शख्स हैं जितने भी मखलूक है इस दुनिया में सभी को वापस लौट कर चले जाना है हमें दोबारा वापस लौट कर चले जाना है जहाँ से हम लोग आए थे वहीं पर वापस लौट कर चले जाएंगे और साथ में कुछ नहीं जाने वाला है हम लोग अकेले जाएंगे ठीक है पैसा धन दौलत ये सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा और हमारी मौत हो जाएगी है इज ओन आप लोग सुने होंगे अगर जाएगा साथ तो अपना कर्म जाएगा आप अपनी ज़िंदगी में जो कर्म किए हैं वही साथ जाएगा ठीक है आगे देखिए लिखा गया है साय जमहूर अशफ शायर व कानून दा क्या मम्मर जात थी जो कब्र की जीनत बनी यानि कि यहाँ पर बोला जा रहा है जनाब अशरफ कादरी के बारे में कि जनाब अशरफ कादरी जो कि शायर के साथ साथ एक कानून दा भी थे उनकी क्या मम्मर ज़ात थी जो कब्र की जीनत बनी यानी कि उनकी ज़ात ही इतनी पुरानी थी कि वही उनके कब्र की जीत यानी कि शोभा बन गई जनाब और शवक़ादरी लोगों की जज्बात को समझा करते थे मौत से किसको मुफिर हो ताज हो या गदा जब शहलौलाख की भी ज़ाहिरन तुरबत बनी और बोला जा रहा है कि मौत से किसको छुटकारा है मौत से किसी की भी नहीं बनती ताज और हो या गदा यानी कि चाहे बादशाह शहनशाह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो चाहे कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो चाहे वो फ़कीर ही क्यों ना हो सभी को मौत आनी है जब शहल अलाख की भी ज़ाहिरन तुरबत बनी जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बन सकती है तो इस दुनिया के तमाम इंसान ये कौन सी खेत की मूली है सभी को मौत आनी है कहीं अशरफ कादरी हम चाहे कादिर बने गौश की नस्बत वहाँ भी बाश रहमत बनी यहाँ पर बोला जा रहा है अशफ कादरी के बारे में कि कहीं अशफ कादरी हम साया सादर बने गौश की नस्बत वहाँ भी बाश रहमत बनी यानी कि अशफ कादरी की जो नस्बत थी वो गौ से पाक थी और इसी वजह से उनकी मौत हो जाने के बाद उनकी कब्र में भी बाश रहमत बनी यानि कि उनके कर्म ही उनके क़ब्र में रहमत बनकर बरसी ठीक है तो इन वही बोला जा रहा है कि इंसान के साथ हमेशा उसका कर्म जाता है ज़िंदगी में जो कर्म किया है वही जाता है ठीक है और यहाँ पर अशरफ कादरी जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में नेक काम किए हैं लोगों की जज्बातों को समझा करते थे हमेशा उनके लिए खड़े होते थे उनकी आवाज़ को उठाया करते थे करियर अफकार में मुलिम लगाता है सदा कह सकूनत गाहे अशरफ कादरी जन्नत बनी यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांव में जो ऐलान करने वाला है वो ऐलान करता है कि जनाब अशरफ कादरी की जो सुकून का जगह है ना अब वो जन्नत बन चुका है यानी कि जनाब अशरफ कादरी का इंतकाल हो चुका है उनकी मौत हो चुकी है और फाइनली ये कत तारीख कम्प्लीट हो गया यानी कि ये जो कतर तारीख था ये जनाब अशरफ कादरी के ऊपर था अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के ऊपर जो क़तर तारीख़ लिखा गया है इसको भी पढ़ कर समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या बताया गया है जब ये अमीर शरीयत बने थे तब ये लिखा गया था कतर तारीख़ और देखिए क्या लिखा गया है इसमें कि किसने दस्तार अमीरी सर पर बांधी है नज़ीर आज जब के मुल्क में हालात यूँ संगीन है यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसने दस्तार अमीरी सर पे बांधी है नज़ीर यानी किसने मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के सर पर सरदार की पगड़ी बांधी है आज जब के मुल्क में हालात यूँ संगीन है आज मुल्क ये तब की बात है जब मतलब मुल्क को आज़ाद करने के लिए जंग चल रहे थे लड़ाइया लड़े जा रहे थे ठीक है यानी कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए सभी लोग संघर्ष में लगे हुए थे उस वक्त की बात है तो वही बोल रहे हैं कि आज जब मुल्क में हालात यूँ संगीन हैं यानी कि आज हमारे मुल्क का हमारे देश में जो है ना हालात संगीन है यानी कि सीरियस है और इस मोमेंट में इन हालात में किसने मौलाना निज़ामुद्दीन साहब के ऊपर सरदार की पगड़ी बांध दी है किसने ज़िम्मेदारियाँ दे दी है रक़्स करते हैं मामूले कसरतों के जोम में पर समेटे पत्थरों के दरमियान शाहीन है शाहन आप लोग जानते हैं एक ऐसी पक्षी है जो कि बहुत बुलंदी तक जाती है बहुत ऊंचाई तक उड़ती है लेकिन मामूला जो है ना वो एक कीड़ा है जो कि उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाता है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा हो गया है ना कि जो शाहीन है वो पत्थरों के बीच अपने पर को समेटे हुए चुपचाप बैठी हुई है और जो ममूले हैं वो कसरतों के जोम में रक्स कर रहे हैं वो घूम रहे हैं यानी कि अब ऐसा हो गया है इस दुनिया में कि जो जिन लोगों के पास क्वालिटी है जिनके पास हुनर है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जिनके पास कोई हुनर नहीं है कोई काबिलियत नहीं है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वो सक्सेस होते चले जा रहे हैं ठीक है कर रहे हैं तीर्गी को नूर से ताबीर सब आलिमों में जहल वाले बा तजीन है यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब सभी लोग जो है ना अंधेरे को नूर से ताबीर कर रहे हैं यानी कि अंधेरे को उजाला बता रहे हैं सब अपने सच्चाई को छुपा रहे हैं और इस आलिमों की दुनिया में जो अनपढ़ लोग हैं इस आलिमों की दुनिया में जो अनपढ़ लोग हैं अब वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वो सफलता हासिल करते चले जा रहे हैं वो सक्सेस होते चले जा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है पुरफतन माहौल में बेशक निज़ामुद्दीन आप गमज़दों के वास्ते मीनार तस्किन हैं अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस पुरफतन माहौल में अभी का जो माहौल चल रहा है इस सिचुएशन में बेशक निज़ामुद्दीन साहब आप गमज़दों के वास्ते मीनार तस्किन हैं यानी कि जिन लोगों को गम मिला है दर्द मिला है जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं दुख है दर्द है तकलीफ़ है उनके वास्ते आप एक मीनार तस्किन है यानी कि आप एक सुकून की मीनार है ठीक है आप एक सुकून का सिंबल है आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब आप हमेशा जो गमजदा लोग हैं जो फकीर हैं जो गरीब है जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है दुख है दर्द है उनके लिए आप खड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा आप हेल्प किए हैं मदद किए हैं तो उनके लिए आप मीनार तस्किन हैं और इस पुरफतन माहौल में ठीक है कौम व मिल्लत के लिए है बास बासदार शाह उम्र मिनकुम क्या निज़ामुद्दीन है यानी कि बोला जा रहा है कि निज़ामुद्दीन साहब एक आप ही तो हैं जिस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं भरोसा कर सकते हैं ठीक है इस कौम व इस कौम व मिलत के लिए एक आप ही हैं जो कि सच्चाई के लिए लड़ते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है और सभी लोग जो है ना आपको एक संरक्षक मानते हैं जो हम सभी लोग की आप रक्षा करते हैं हमारे भावनाओं को समझते हैं और हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं तो फाइनली यहाँ पर जो है ना ये लास्ट लाइन था और यहाँ पर चैप्टर नंबर ट्वेंटी सिक्स भी कंप्लीट हो गया तीनों चैप्टर में आज, आज की इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीन लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले लीजिए फटाफट स्क्रीन तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं तीनों चैप्टर अगर आप लोगों को समझ में आया है जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई हूँ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक तो बनता है फटाफट लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें कि हाँ हमें समझ में आ गया है और तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ठीक है और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने तक सीमित ना रखें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का उठा सके तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज